अंधेरी रात का समय था। जंगल में एक अफरा तफरी मची थी। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कोई भी जंगलवासी ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि आखिर हम भाग क्यों रहे हैं। बस सभी अपनी तेज रफ्तार में भागे चले जा रहे थे। जब यह बात राजा बाघ को पता चलती है तो वह जानने की कोशिश करता है कि आखिर क्या बात है जिसने जंगल के जानवरों को इतना परेशान कर दिया है, और वह जानवरों की ओर ना दौड़ कर जंगल की ओर निकलता है। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखकर भवानी बाघ भी इतना ज्यादा डर गया कि वो भी उल्टे पैरों अपनी गुफा की ओर दौड़ पड़ा। उसने देखा कि उनके जंगल में बहुत सारे सफेद शेर की सेना के साथ एक बाघिन चलती हुई आ रही है, और उनके साथ कुछ मानव बाघ भी हैं, और वह सभी जंगल की ओर ही दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये सब देखकर भवानी बाघ के पसीने छूट गए और वह उल्टे पैर दौड़ता हुआ भागा। लेकिन आखिर कौन है ये बाघिन और उसकी सफेद शेर की सेना जिसने भवानी बाघ को भी दहशत में डाल दिया। इसके लिए आज से 10 साल पहले की कहानी को जानते हैं। आज से 10 साल पहले इस जंगल पर बाला नाम के बाघ का राज चलता था। बाला बाघ की मानव बाघों की सेना थी, और वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ जंगल पर राज करता था। भवानी बाला बाघ का सबसे अच्छा दोस्त था, जिस पर बाला बाघ सबसे ज्यादा भरोसा भी किया करता था, और वह उसे अपनी हर चीज की खबर देता था। एक दिन बाला बाघ भवानी से कहता है, भवानी मैं चाहता हूँ आज तुम रानी बाघिन के साथ खजाने की गुफा पर जाओ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम रानी के साथ होंगे तो मुझे भी चिंता नहीं होगी। तब तक मैं जंगल को देखता हूँ। भवानी बाघ बाला की बात सुनता है और रानी के साथ खजाने की गुफा की ओर निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों पहाड़ी के ऊपर खजाने की गुफा पर जाते हैं, और जैसे ही भवानी इतना सारा खजाना देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं, और वह मन ही मन सोचता है, अरे यार इतना सारा खजाना, आखिर बाला बाघ कब से इतना सारा खजाना जमा कर रहा है। वह ये सोचता रहता है तभी बाघी आती है और भवानी को चलने के लिए बोलती है, और वो दोनों वापस बाला के पास आते हैं। बाला जब उन दोनों को देखता है तो खुश हो जाता है, और उसे भवानी पर और भी पुख्ता भरोसा हो जाता है। पर भवानी उस खजाने वाली गुफा को नहीं भूल पा रहा था। अब तो बस भवानी रात दिन उसी खजाने के सपने देखता है और उसे हासिल करने के प्लान्स बनाता है। एक दिन भवानी सभी बाघों की सेना को इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, आज तुम सभी को कुछ खजाना दूसरे जंगल पहुंचाना है। उस जंगल में बहुत मुसीबत आई है और उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब जाकर कुछ खजाने के बक्से दूसरे जंगल में पहुंचाओ, और भवानी आज तुम भी हमारे साथ चलो, बक्से भरवाने में थोड़ी मदद हो जाएगी। अब वो सभी खजाने की गुफा की ओर चल देते हैं, और रानी बाघिन जंगल की देखभाल के लिए वहीं रुक जाती है। उधर सभी इंतजाम हो जाते हैं और बाघों की सेना दूसरे जंगल खजाने के बक्से लेकर निकल जाती है। तभी भवानी का दिमाग काम करता है और वह धोखे से बाला को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और बोलता है, अब ये सारा खजाना मेरा। अब मैं जाकर उस बाघिन और उसके बेटे को भी मारता हूँ। वो दोनों पिद्दी से मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। भवानी बाघ की सारी बातें सुनती हुई बाघिन भी अपने बेटे के साथ वहां आ जाती है, और भवानी का ये रूप देखकर बाघिन बहुत डर जाती है और बोलती है, इस जालिम ने बाला को मार दिया। मैं क्या करूं? मुझे इसलिए इतनी घबराहट हो रही थी। मैं तो बाला बाघ को मुसीबत से बचाने के लिए आई थी, लेकिन इसने तो बाला बाघ को मार दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी में रानी बाघिन अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाती है, और भवानी
पूरे जंगल और खजाने का मालिक बन जाता है और भवानी सभी जानवरों को बाला का कातिल उसकी पत्नी को बताता है। जंगल वासियों, मुझे तो बताते हुए भी दुख हो रहा है, मेरे सबसे अजीज दोस्त की पत्नी ने खजाने के लालच में आकर मेरे दोस्त को ही मार डाला। मैंने उसे खुद देखा है महाराज को पहाड़ी से गिराते हुए और खजाना लेकर भागते हुए। भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है? अगर वो अपने पति के साथ ये सब कर सकती है तो हमारे साथ तो कुछ भी कर सकती है। भवानी की इस मनगढ़ंत कहानी पर सभी जंगलवासी भी विश्वास कर लेते हैं और वह सभी अब भवानी को ही अपने जंगल का राजा मानने लगते हैं। और आज 10 साल बाद जब बाघिन अपने आप में मजबूत हो जाती है तो वह अपने पति की बाघों की सेना को तलाश कर लेती है और वह फिर से जंगल में वापस आती है। जंगल के सभी जानवर भवानी की मनगढ़ंत कहानी को दिमाग में सोचकर उससे बचकर भाग रहे थे और भवानी अपनी जान और खजाने के लिए। सुबह होने पर सफेद शेर और बाघों की सेना जंगल में फैल जाती है और बाघिन अपनी सेना के साथ भवानी को जंगल में इधर उधर तलाश करने लगती है। तभी बाघिन के मन में ख्याल आता है और वह सीधा खजाने की गुफा पर पहुंचती है। वहां जाकर बाघिन देखती है कि भवानी वहां से भागने की कोशिश में लगा है और उसने सारा खजाना बक्सों में बंद कर दिया है। ये सब देखकर बाघिन उससे बोलती है, अब मुझसे डर लग रहा है भवानी, कहाँ जा रहे हो मुझे छुपाकर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बाला को नहीं मारा, वो तो खुद ही पहाड़ी से गिरा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। भवानी के मुंह से ये बात सुनकर सभी जानवर भी वहां जाते हैं और वह खुद भवानी के मुंह से ये सब सुनती है और उसका यह डर देखकर सभी जानवर समझ जाते हैं कि भवानी ने ही बाला को मारा है और वह सभी जानवर मिलकर भवानी को भी उसी पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। अब रानी बागिन सभी जानवरों को सारा सच बताती है और अपने बेटे से सभी जानवरों को मिलवाती है। जंगल के जानवर रानी शेरनी और उसके बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं और वह सभी बाला के बेटे को जंगल का राजा बना देते हैं और अब जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पैसा किसी के मन में भी लालच पैदा कर सकता है, इसीलिए हमें दोस्ती को उसकी हद तक ही सीमित रखना चाहिए। कभी भी दोस्ती में आकर अपने सभी राज अपने दोस्त को नहीं बताने चाहिए, वरना समय आने पर वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेरनी का जादुई मुकुट और बेटे ने लिया पिता की मौत का बदला। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर के घर एक प्यारे से बच्चे का जन्म होता है। शेर और शेरनी दोनों ही अपने नन्हे बच्चे को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम शार्दुल रखा। गब्बर शेर एक बहुत ही ताकतवर और न्याय पसंद राजा था। शेर के राज्य में सारे जानवर बहुत खुश रहते थे सिवाय उसी जंगल में रहने वाली सिम्हा शेर के। सिम्हा शेर उस जंगल का राजा बनना चाहता था, इसीलिए वह बब्बर शेर से बहुत जलता था और वह बब्बर शेर को मारकर जंगल का राजा बनने की कोशिश में लगा रहता था। जब सिम्हा शेर को गब्बर शेर के यहाँ बेटा होने की खबर मिलती है तो वह सोचता है, अरे इस गब्बर शेर की तो जंगल में जड़ें जमती ही जा रही है, मुझे कुछ भी करके उसे मारना होगा, नहीं तो कुछ दिन बाद सारी बात हाथ से निकल जाएगी, फिर उसका बेटा भी उसके साथ में आकर खड़ा हो जाएगा, फिर मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब सिम्हा शेर गब्बर शेर के पास जाता है और गब्बर शेर से बोलता है, महाराज सुना है आपके यहाँ बेटे ने जन्म लिया है, बहुत मुबारक हो महाराज आपको, लेकिन महाराज आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात बोलूं। हाँ हाँ बोलो सिम्हा भाई, क्या बात है आखिर? दरअसल महाराज मेरे यहाँ भी बेटे ने जन्म लिया है और मेरी पत्नी आपके हाथों से मेरे बेटे का नामकरण कराना चाहती है,
अगर आप हमारे ऊपर ये एहसान कर देंगे तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात होगी। सिम्बा शेर की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर गब्बर शेर उसके साथ चल देता है और सिम्बा की गुफा पर पहुंच जाता है। वहां जाकर गब्बर शेर को कोई भी बच्चा और शेरनी दिखाई नहीं देती है। अरे सिम्बा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। वो महाराज, शायद शेरनी उसे पानी पिलाने नदी के पास ले गई होगी। आप जरा ठहरे, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, तब तक वो दोनों भी आ जाएंगे। अब सिम्बा गब्बर शेर के लिए खाना लाता है और जैसे ही गब्बर शेर उस खाने को खाता है, वह तो एकदम से जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। गब्बर शेर, तुम्हें मैं ऐसे तो नहीं मार सकता था, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अब मुझे इस जंगल का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस पूरे जंगल पर मेरा राज होगा और जंगल के जानवर मेरा कहर देखेंगे। सिम्बा शेर की यह सब बात ही दूर खड़ी हुई एक गाय सुन लेती है और वह दौड़ती हुई रानी शेरनी के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। रानी शेरनी जल्दी से गब्बर शेर का मुकुट पहनती है और अपने बेटे को लेकर दौड़ती हुई दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है और वह अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल में ही रहने लगती है। उस जंगल के जानवर शेरनी को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने आई है, लेकिन शेरनी बेचारी जंगल के किसी भी जानवर से कोई मतलब नहीं रखती थी। वो बस पूरा टाइम अपने बेटे के साथ ही रहती थी और गुफा के पास में ही किसी छोटे मोटे जानवर का शिकार करके वो अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। दिन ऐसे ही बीते हैं और अब शार्दुल भी बड़ा हो जाता है और वह अब अपनी माँ से अपने बाबा के बारे में पूछने लगता है। माँ माँ, मेरे बाबा कहाँ हैं? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते हैं? शेरनी हर दिन शार्दुल को कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देती है, लेकिन एक दिन जब शार्दुल बहुत जिद करने लगता है तो शेरनी उसे सारा सच बता देती है। अपने पिता की मौत का सुनकर शार्दुल का भी खून खोल उठता है और वह दूसरे जंगल सिम्बा से लड़ने जाने लगता है। तभी शेरनी शार्दुल को रोकती है और कुछ पढ़ती हुई वह एकदम से वहाँ एक जादुई ताज ले आती है और उसे लेकर शार्दुल के सर पर मुकुट लगा देती है। माँ माँ, ये सब क्या है? बेटा, ये तुम्हारे पिता का मुकुट है। जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तो वो हमेशा इससे जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे। आज तुम्हें इसकी ज़रूरत है, इसीलिए आज मैं ये मुकुट तुम्हें दे रही हूँ। अब वो दोनों अपने जंगल वापस आते हैं। जंगल के सभी जानवर रानी शेरनी और उसके बेटे को देखकर खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन शेरनी और शार्दुल बिना टाइम वेस्ट किए सिम्बा के पास पहुँचते हैं। सिम्बा जब शेरनी को देखता है तो बोलता है, मुझे यकीन था कि तुम एक ना एक दिन जरूर आओगी। मुझे तुम्हें तभी मार देना चाहिए था जब तुम्हारे पति को मारा था। कम से कम आज तुम मेरे लिए रुकावट तो ना बनती। लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें अब मार देता हूँ। अब सिम्बा शेरनी और उसके बेटे पर हमला करता है और उन्हें मारने लगता है। तभी उस जादुई मुकुट से शक्तियाँ आने लगती है और वह शक्तियाँ सिम्बा शेर को घेर लेती हैं और उस सिम्बा को वहीं जलाकर राख कर देती हैं। जंगल के सभी जानवर ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें एक राक्षस से छुटकारा जो मिल गया था। अब शेरनी का बेटा जंगल का राजा बनता है और जंगल के जानवरों की खुशियाँ फिर से लौट आती हैं और वह सभी अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। विशाल पागल शेरनी का जंगल पर अत्याचार और रंगीन चीते। जंगल में रंगीन चीतों का राज था। सभी रंगीन चीते वृंदावन जंगल पर अपनी हुकूमत चलाते थे और उन सभी रंगीन चीतों का
एक शरदार चीता था जिसका नाम था बाला। बाला चीता जंगल के जानवरों पर बहुत जुल्म करता था और वह उनसे पूरा दिन जंगल के काम कराता और शाम होने पर उन्हें खूब मारता पीटता। जंगल के सभी जानवर बेचारे बहुत परेशान थे, पर वो कर भी क्या सकते थे। वो बेचारे चुपचाप उसके जुल्म सहते थे। बाकी रंगीन चीते पूरा दिन जंगल के जानवरों की गुफाओं में जाते और उनके घरों से उनके बच्चों को उठाकर उनका शिकार करते। जंगल के जानवर इतने जुल्मों के बीच फंसे हुए थे कि वो अब अपनी मौत मांगते थे। हे भगवान, या तो हमें भी उठा ले वरना इस जंगल के दिन अच्छे कर दे, इन सभी जालिमों का अंत कर दे, इन्होंने कल मेरे बेटे को भी मार दिया। गायें सब बोलकर खूब रोए जा रही थी। तभी दूसरे जंगल से चलती हुई एक विशाल शेरनी उस जंगल में आती है। वह शेरनी पागलों जैसा बर्ताव कर रही थी। उस विशाल शेरनी को देखकर गाय को एकदम से कुछ याद आता है और वह बोलती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, अब ये एक और बला, हमारा जंगल तो तबाह हो जाएगा। ये सब बोलकर गाय वहां से दौड़ती हुई जाती है और जंगल के जानवरों के पास जाकर उनसे बोलती है, अब तो हमारी और भी बुरे दिन आने वाले हैं। मैंने अभी बंटी शेर की बेटी को अपने जंगल में देखा और उसका शरीर इतना विशाल है, वह तो हमें एक पैर के नीचे रोन देगी। जानवर जब बंटी शेर का नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं। आखिर कौन है ये बंटी शेर और उसके नाम से सभी जानवर इतना क्यों कांपने लगे, चलिए जानते हैं। आज से 20 साल पहले इस जंगल पर बंटी शेर का राज चलता था। बंटी शेर की एक बाघों की सेना थी। वह बाघ जानवरों पर जुल्म करते थे और बंटी शेर सभी जानवरों को बहुत परेशान किया करता था। एक दिन जंगल में रंगीन चीते ना जाने कहां से आते हैं। वह जानवरों से अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। सभी जानवर रंगीन चीतों को अच्छा मानने लगते हैं और वह उन्हें बंटी शेर की करतूतों के बारे में बताते हैं कि बंटी शेर उन्हें कैसे परेशान करता है। तब वह सभी रंगीन चीते सभी जानवरों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वह जंगल के जानवरों के साथ मिलकर बंटी शेर और उसकी सेना को मार डालते हैं। लेकिन बंटी शेर की बेटी मालिनी बहुत तेजी से दूसरे जंगल में भाग जाती है। बंटी शेर के मरने के बाद रंगीन चीते जंगल पर राज करने लगते हैं और सभी जंगल वासियों की जिंदगी को पहले से भी बदतर बना देते हैं। राजगद्दी मिलने के बाद रंगीन चीते भी जंगल के जानवरों पर जुल्म करने लगते हैं और दिन बीतते हैं। आज फिर से वो दिन आता है जब मालिनी शेरनी विशाल शेरनी का रूप लेकर जंगल में वापस आती है। जंगल के सभी जानवर इतनी बड़ी मुसीबतों को देखकर कांपने लगते हैं, लेकिन एक गाय हिम्मत करके मालिनी शेरनी के पास पहुंचती है और वह बोलती है, मालिनी बेटी, तुम इतने दिन से कहाँ थी, हमें माफ कर दो बेटा, हमने रंगीन चीतों के साथ मिलकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया, लेकिन बेटा हमें उसका सबक अब तक भुगतना पड़ रहा है। वो रंगीन चीते उन्होंने जंगल पर इतना जुल्म किया हुआ है कि हर रोज मौत को करीब से देखना पड़ता है। मालिनी शेरनी तो पागल थी, उसके कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जब वह गाय की बात सुनती है तो उसे कुछ कुछ बातें याद आने लगती है और वह बोलती है, मेरे बाबा कौन थे, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अब गाय समझ जाती है कि शेरनी सब कुछ भूल गई है और वह शेरनी को अपने साथ लेकर रंगीन चीतों के ठिकाने पर जाती है और उसे बीती बातें याद दिलाने की कोशिश करती है। जब मालिनी अपने पिता की राज गद्दी को देखती है तो उसे सब याद आ जाता है और वह उन रंगीन चीतों की सेना के बीच जाकर खड़ी हो जाती है और रंगीन चीतों को मारने लगती है। कुछ ही देर में मालिनी वहां लाशों का ढेर लगा देती है। तभी वहां रंगीन चीतों का सरदार बाला भी आ जाता है और वह जब अपनी सेना को ऐसे खून से लथपथ देखता है तो वह बोलता है,
रुक जाओ मालिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम आज तक जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ। तुमने क्या सोचा, मेरे पिता को मार कर तुम इन जानवरों पर जुल्म करने में कामयाब हो जाओगे? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें अभी मार डालूंगी। अब मालिनी बाला पर जोरदार हमला करती है जिससे बाला जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। मालिनी शेरनी का यह साहस देखकर जंगल के सभी जानवर वहां इकट्ठा होते हैं और वह मालिनी शेरनी को धन्यवाद करते हैं और शेरनी से माफी मांगते हैं। अब शेरनी बोलती है, मुझे याद है मेरे पिता ने भी तुम सभी जानवरों पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसीलिए इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम सभी जानवर माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। अब जंगल के सभी जानवर मिलकर मालिनी शेरनी को जंगल का राज सिंहासन सौंपते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अपने जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो गाइज आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।